हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घर पे नहीं है। आप एक बार और घंटी बजाने का कष्ट करेंगे? सर लगता है रश्मि घर पे है नहीं। हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? चलते हैं यहां से। आफ्टर बढ़ा दिया काम इसने भी। चल भाई सूरज, यहां तेरी नहीं चलेगी। पूरे घर को छान मारो। यस सर, आज सारे सबूत अच्छे से मिटा दूंगा। देखता हूं कैसे करते हैं केस सॉल्व। क्या सर, ये सब क्या है? फोटोग्राफ्स। सर लगता है रश्मि घर से भागने से पहले ये फोटोग्राफ्स और ये कागजात जलाकर डस्टबिन में फेंक गई। लेकिन क्यों? रश्मि को इन चीजों से ऐसा क्या खतरा हो सकता था? एक सेकेंड, कुछ कागज के टुकड़े ऐसे भी हैं जो पूरी तरह जले नहीं हैं। PSY, PSY से क्या शब्द हो सकता है? साय? साय, साय, साइकाट्रिस्ट। ये किसी साइकाट्रिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन है। लेकिन अब कौन से साइकाट्रिस्ट का, ये कैसे पता लगेगा? उसकी जरूरत नहीं है सूरज, बस ये पता चल जाए कि रश्मि ये दवाई ले क्यों रही थी, हमारा काम हो जाएगा। ये ड्रग तो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को दी जाती है। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर? जी हाँ, ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें दो पर्सनालिटीज होती है, एक जो अपनी खुद की होती है और दूसरी जो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग होती है। यूं समझो कि एक ही शख्स के अंदर दो इंसान जी रहे हो सकता है कभी कभी दो से ज्यादा भी इंसान जी रहे हो। डॉक्टर, जब ऐसे पेशेंट्स अपनी पर्सनालिटी बदलते हैं तो क्या करते हैं? ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर जब वो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी में वापस आते हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने किया क्या था। मतलब जब पेशेंट पर्सनालिटी ए में होता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि पर्सनालिटी बी में उसने क्या किया था, और जब वो पर्सनालिटी बी में होता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि पर्सनालिटी ए में उसने क्या किया था। एग्जैक्टली सर, यानी जब रश्मि ने बकुल का खून किया तब वो रश्मि नहीं थी, कोई और शख्सियत थी। तभी तो जब हमने भी पूछा तो हमें कुछ बताया नहीं, एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, क्योंकि उसे याद ही नहीं होगा कि उसने बकुल का खून किया। लेकिन सर, डॉक्टर सालुंखे का कहना है कि बकुल को और उस नौकर को किसी आदमी ने मारा था। लेकिन सर, हमें ये बात भी तो अच्छे से पता है कि उस नौकर का खून
एक औरत ने किया, अब ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है क्योंकि जब एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित औरत एक आदमी का रूप लेती है तो वो एक आदमी की तरह बिहेव करती है। मर्दाना चाल, मर्दाना आवाज, मर्दाना ताकत उसमें अपने आप आ जाता है। मतलब डॉक्टर सालों के सही कह रहे थे। एक और बात सर, अगर उस औरत ने एक बार खून किया है तो वो जरूर दोबारा हमला कर सकती है। इससे पहले कि रश्मि किसी और को अपना अगला शिकार बनाए हमें उस तक पहुंचना होगा। श्रेया एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रैक करो और सारे बैंक को इन्फॉर्म कर दो। अगर ये रश्मि अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करती है तो फौरन हमें खबर कर दे। वो अपना रूप बदल सकती है, सेल नंबर बदल सकती है, क्रेडिट कार्ड तो नहीं बदलेगी। विश्वास नहीं होता कि बकुल जी के खून में रश्मि का हाथ हो सकता है। और सर हैरानी की बात तो यह है कि सालुंके सर अभी यही मान रहे हैं कि किसी आदमी ने ही बकुल जी और उस नौकर का खून किया। निखिल, उस साइकेट्रिस्ट ने दया सर को बताया था कि स्प्लिट पर्सनैलिटी के लोग, चाहे वो कोई औरत हो या बच्चा, अगर दूसरा रूप धारण करते हैं तो वो उसी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। जैसे कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी का पेशेंट, कोई बच्चा या फिर औरत, किसी आदमी का रूप धारण कर ले तो उसके अंदर आदमी जैसी ताकत आ जाती है। यानी जब रश्मि ने बकुल जी का खून किया, उसकी पर्सनैलिटी ने एक आदमी का रूप ले लिया और उसके नाजुक से शरीर में एक मर्द वाली ताकत आ गई। और जब अपने नॉर्मल रूप में आई, यानी कि रश्मि की पर्सनैलिटी में आई, उसे भी नहीं आता कि उसने आदमी बनकर बकुल जी का खून कर दिया। फिर तो रश्मि कभी भी अपना रूप बदल सकती है, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके आसपास वाले लोगों को जान का खतरा होगा। हाँ रीत, इसीलिए तो हम उस कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं जहाँ रश्मि ने अपना कार्ड स्वाइप किया। शायद दुकानदार कुछ बता दे कि रश्मि अकेली आई थी या फिर किसी के साथ। कहिए सर, क्या दिखाऊं, वेस्टर्न या इंडियन? हमारे स्टोर में हर वैरायटीज के कपड़े मिलेंगे। हम यहाँ कुछ खरीदने नहीं आए। तो फिर हम लोग सीआईडी से। सीआईडी, क्या बात है सर? एक औरत के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। सर कौन औरत? उनका नाम है रश्मि और ये उनका क्रेडिट कार्ड नंबर है। जरा चेक करके बताइए कि यहाँ से क्या खरीदने आई थी और किसके साथ है। जी सर, एक मिनट प्लीज। सर ये हो बिल सर। ये क्या, जेंट शर्ट? रश्मि अपने लिए जेंट शर्ट क्यों खरीदेगी? कोई साथ में था क्या उसके? नहीं सर। सर हो सकता है रश्मि कोई नई चाल चलने वाली हो। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि उसे स्प्लिट पर्सनालिटी का दौरा पड़ा हो और उसने एक आदमी का रूप धारण कर लिया। हाँ सर, इसीलिए उसने ये जेंट शर्ट खरीदी। सर सर एक बात बोलो। बोलो सर। वो लड़की थोड़ी खिसकी हुई थी सर, वो बोल कुछ रही थी और कर कुछ रही थी सर। सर उसे क्या चाहिए था मैं समझ ही नहीं पाया। तुमने उस लड़की का चेहरा तो देखा ना? हाँ सर, एकदम ठीक से पहचान जाओगे? हाँ सर। ये है वो लड़की? नहीं सर, ये नहीं थी। ध्यान से देखो, यही होगी। नहीं सर, मैं ठीक बोल रहा हूँ सर, ये वो नहीं थी। उस लड़की का चेहरा सर मैं भूल ही नहीं सकता। इन तीनों में से कोई थी? नहीं सर, इन तीनों में से कोई नहीं थी। सर सर, इसका मतलब खूनी कोई और अनजान औरत है। हो सकता है निकिल इस आदमी को अपने साथ ले लो, उस औरत का स्केच बनवाते हैं। अरे यार, आज दिन किधर से होगा भाई? एसीपी प्रद्युमन और सालुके को सॉरी? यार गलती हो गई थी इसलिए सॉरी कह दिया, उसमें क्या हुआ? गलती? कैसी गलती? सालुके तो कह रहा था ना कि वो खून किसी मर्द ने किया है और हम कह रहे थे कि वो खून किसी औरत ने किया है। तो सही था सालुके। सही था ना? सही था ना? अरे सही कैसे नहीं होऊंगा बॉस।
मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। बरसों का एक्सपीरियंस है आफ्टर ऑल। ओए, आधा सही था तू, आधा। आधा सही मतलब? सरुंखे, वो जो औरत है ना जिसने खुद किया है, वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की मरीज है। उसके जहन में, उसके शरीर में जब भी कोई मर्द घुसता है ना, तो मर्दों वाला बर्ताव करती है। Oh, I see. Interesting. But anyway, आधा सही तो हूं ना। तो बॉस, इसका मतलब सालूखे को रिटायर होने की तो जरूरत नहीं है ना? क्या करूं, छुटकारा भी नहीं, पाला जो पड़ गया तेरे से। अरे यार, यही तो गलत है तुम्हारा। कब बॉस बन जाते हो, कब दोस्त रहते हो, पता ही नहीं चलता। anyway, आज सालूखे लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं है भाई। आज आप लोगों का मनोरंजन नहीं हो सकता। अरे सर, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? सच कह रहे सर, आप लोग जब झगड़ते हैं ना, तब मनोरंजन नहीं, हमें टेंशन हो जाती है। टेंशन होती है। सालू के साथ? हाँ, ये देखिए। एक मिनट बस। ये फोटो। ओह, जब तारिका, तुम एक काम करो, बाकी के फोटोज भी साफ करो। सर। बॉस। बॉस, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पंकज, लाइट ऑफ करो जरा। बॉस, हम जले हुए कागजों से तो कुछ पता चला नहीं, देखते हैं इस फोटो से क्या पता चलता है। ये तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई किसी बच्ची की फोटो है। हाँ, 10-12 साल की उम्र लगती है, और लगता है उस लड़की के साथ कोई लड़का भी खड़ा है। सर, आप कैसे पता चलेगा कि ये लड़की कौन है और उसके साथ ये लड़का कौन है? अभी पता लगेगा। रश्मि? रश्मि की बचपन की फोटो है ये। लेकिन सर, कोई अपने बचपन की फोटोज क्यों जलाएगा? लोग ये सब तभी करते हैं जब वो कुछ छुपाना चाहते हैं। हाँ सर, मतलब रश्मि के साथ बचपन में कुछ ऐसी बात हुई है जिसे वो छुपाना चाहती है। जरूर फ्रेडी, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन लगता है रश्मि उसके फोटो में वो जो लड़का खड़ा है ना, उसकी तस्वीर मिटाना चाहती है। यस सर, अब इस लड़के का पता लगाना पड़ेगा। मगर कैसे सर, फोटो में तो कुछ दिख रहा ही नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है? देखो, अभी देखो उस बैच पर क्या लिखा है। DAG पब्लिक स्कूल। हेलो शशि। अच्छा सुनो, वो 1995 का जो बैच था ना, उसका एडमिशन फॉर्म मुझे चाहिए। हाँ, रश्मि नाम की स्टूडेंट का। जी जी, 5th स्टैंडर्ड। ओके ओके, ठीक है। सॉरी, आप लोगों को 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा। आप लोग चाय या कॉफी कुछ लेंगे? जी नहीं, थैंक्स। मैडम, ये फाइल। ये रही फाइल, इसमें रश्मि की सारी डिटेल्स है। लेकिन इस फाइल से हमें खास जानकारी नहीं मिलने वाली। कुछ और बता सकती हैं आप रश्मि के बारे में? जी नहीं, इस बारे में मुझे और कुछ पता नहीं। एक मिनट सर, मुझे इस लड़की का चेहरा देख के कुछ याद आ रहा है। इसका एक बड़ा भाई था जो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता था, वो हमारे स्कूल की टीम में था। आपको पूरा यकीन है? जी सर। क्या नाम था उसका और कौन सी क्लास में पढ़ता था? सर, नाम और क्लास तो याद नहीं है। हाँ सर, वो इससे 2-3 साल बड़ा था सर। 2-3 साल बड़ा था। ये 1995 की 7वीं और 8वीं क्लास की रिकॉर्ड फाइल लेके आइए प्लीज। वो होट थोड़ा पतला होगा सर। ये रश्मि कहीं फेस बदल के तो नहीं गई थी गारमेंट शॉप में? इसी वजह से शॉपकीपर उसे पहचान नहीं पा रहा है। हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। हाँ पंकज। जी सर। ये नीता, निकिता और शिखा, तीनों को बुलाया ब्यूरो में। जी सर, श्रेया उन्हें लेके आती होगी। गुड सर, स्केच रेडी है सर।
मैडम ये रही फाइल। हाँ ये लीजिए। निखिल रश्मि के घर से जो फोटोग्राफ मिली थी वो लाना। सॉरी। माय गॉड ये देखो रश्मि का भाई कोई और नहीं बल्कि अर्नव है। मतलब ये प्लानिंग इन दोनों भाई बहन ने मिलकर की थी। यही थी वो और? हाँ सर हमारे स्टोर में यही औरत आई थी। आइए आइए इस स्केच को अच्छी तरह से देखिए गौर से देखिए और बताइए कि आप जानते हैं इसे। नहीं सर। हाँ सचिन। सर ये अर्नव और रश्मि दोनों भाई बहन हैं। माय गॉड तो ये बात है। और ये सारा का सारा खेल इन दोनों ने मिलके खेला था। गुड वर्क। क्या हुआ सर? अभिजीत रश्मि और अर्नव सगे भाई बहन हैं। क्या सगे भाई बहन? हाँ सगे भाई बहन। क्यों नहीं ताई आपको तो पता था ना कि रश्मि और अर्नव सगे भाई बहन? नहीं सर मुझे बस इतना पता था कि रश्मि बकुल की सेक्रेटरी है। वो दोनों भाई बहन है ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता। और शिखा जी आपको भी नहीं मालूम कि रश्मि अर्नव की बहन है? नहीं सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बड़ी अजीब बात है आप तो अर्नव की मंगेतर है ना और आपको ही नहीं पता। सर अर्नव ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है आप लोग जा सकती हैं। अभिजीत अभिजीत तुम कह रहे थे ना कि औरत भेष बदल कर भी आई होगी। कुछ दिमाग में आ रहा है श्रेया अर्नव की फोटोग्राफ कंप्यूटर में निकालो। सर ये रहा अर्नव का चेहरा। अब श्रेया अर्नव के इस चेहरे पर स्केच में जो जो है वो सब बनाओ। ये ऐसे बाल ये कानों में बालियां और ये लिपस्टिक। ये लो अभिजीत अर्नव। इसका मतलब रश्मि को नहीं इस अर्नव को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है सर। हाँ अभिजीत और हम तो समझ रहे थे कि रश्मि ही खूनी है। याद है वो कपड़े का टुकड़ा जो हमें बकुल के फार्म हाउस से मिला था? उस कपड़े के टुकड़े पर चमड़ी स्किन के अंश मिले थे। वो चमड़ी जरूर इस अर्नव की ही है। सर इसका मतलब कि अर्नव ने लड़की के कपड़े पहने और बकुल का मर्डर कर दिया। एग्जैक्टली। और सर इस रोग की वजह से उसे पता भी नहीं होगा कि औरत बनकर वो कितने भयानक जुर्म कर रहा है। और ऐसे मरीज को खुलेआम घूमने देना मतलब खतरों से खेलना है। अभिजीत किसानों के दोनों रूप पूरे शहर में फैला रहा। पूरे शहर में देखते हैं बचकर जाएगा कहां। सर अर्नव तो अपने घर पर मिला नहीं अब कहां ढूंढे उसे। हाँ सर और उसकी गाड़ी भी उसके बंगलों पर नहीं। बचकर जाएगा कहां? मैंने शहर के सारे चेक पोस्ट और टोल नाके पे खबर कर दी है। सारे पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया है। इस अर्नव के दोनों रूप के फोटो और रश्मि के फोटोग्राफ्स भी दे दिए हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो जरूर इन दोनों को देखेगा। सर हो सकता है वो शहर से बाहर निकल गए हैं। नहीं शहर टोलना को वालों से पता चला है कि अभी तक अर्नव मुंबई से बाहर नहीं गया। सर ये भी तो हो सकता है कि उसने अपनी गाड़ी कहीं बीच रास्ते में खड़ी कर दी हो और पैदल या किसी और रास्ते से शहर से बाहर निकल गया हो सकता। सर अर्नव के आसपास के सभी लोगों को उससे बहुत खतरा है। उसकी बीमारी की वजह से वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हेलो इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। क्या कहाँ पे?
ठीक है, उस पर नजर रखो, हम लोग बस पहुंच ही रहे वहां पे। आपने फोन किया था ना? आप सीआईडी से? हाँ हाँ सर, मैंने फोन किया था। वो पोस्टर देखा था ना, वो खतरनाक आदमी का और वो औरत का भी। तो दोनों में से किसको देखा तुमने? साहब वो पोस्टर वाली औरत को, सेम टू सेम वही औरत थी। कहाँ देखा तुमने उस औरत को? इधर दुकान पर आई थी चिप्स लेने के लिए। कब आई थी? अभी थोड़ी देर पहले, तभी तो फोन किया मैं सबको। किस तरह गई वो औरत? वो गाड़ी लेके आई थी? नहीं साहब, वो चलते चलते उस गली से आई, चिप्स लिया और वापस उसी गली में चली गई। चलते चलते इस गली में गई? पक्का यकीन है कि वो इसी गली में गायब हुई? एकदम पक्का साहब, चेहरा इतना अजीब था, भूल कैसे सकता हूँ। सर उसी गली में तो बकुल का फार्म हाउस भी है। बकुल का फार्म हाउस? Oh no, let's go. खाओगी? खाओ ना। मैं भी कितनी पगली हूँ, तुम्हारे मुंह पे तो पट्टी बंधी हुई है, तुम खा कैसे सकती हो, है ना? कोई बात नहीं, इसे मैं ही खा लेती हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हारी आंखें तो खुली है ना, तुम तो मुझे देख सकती हो, आंखों पे पट्टी नहीं है, तो तुम मुझे खाता हुआ देखो। तो क्या नाम बताया तूने अपना? रश्मि, यानी कि रेशम, रेशम मुलायम। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखे? तेरा कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तेरा, समझी तू? लेकिन अगर तूने हिम्मत की है तो हर गलती की सजा होती है ना? बोल क्या सजा चाहिए तुझे, बोलना। रेशम रेशम रश्मि। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? लेकिन सजा मिलने से पहले मैं तुझे अपना सुंदर नृत्य दिखाना चाहती हूँ, हो जाए? पहले मजा फिर सजा।
बहुत तरस आता है मुझे तेरे पर, बहुत तरस। पर मैंने अपने आप को समझा लिया है कि दया माया छोड़ दूं और मैं और तुझे मारकर दया से मुक्त हो जाऊंगी और तू अपने इस जीवन से मुक्त हो जाएगी। आएगी रश्मि, कौन हो तुम? भला कोई किसी औरत को इस तरह पकड़ता है क्या? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? छोड़ो, छोड़ो मुझे। सब है तो फिर छोड़ो ना। ओ भाई साहब, बोलो ना इन्हें, कितना बदतमीज है, छोड़ो। चलो शांत हो जाओ। बदतमीज, शांत हो। अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, समझे? हाँ समझी। बीमार रही है इस वक्त, ही अपने आप को एक औरत समझ रहा है। खून किया है मगर जुर्म का एहसास नहीं है। अजीब बीमारी है सर, ऐसा लगता है जैसे एक ही शरीर में दो लोग हैं। हाँ, जब ये लड़की बन जाता है तो उसे याद नहीं रहता कि जब ये अर्णव था किसने क्या किया था, और जब अर्णव बन जाता है तो लड़की के रूप में क्या किया वो भूल जाता है। रश्मि, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि अर्णव तुम्हारा भाई है? सर मैं डर गई थी, मुझे लगा कि अगर मैंने आपको भैया की बीमारी के बारे में बता दी तो आप इन्हें मुझसे अलग कर देंगे, जेल में डाल देंगे, फांसी दे देंगे। भला इसने भैया की क्या गलती है कि सब कुछ तो इनकी बीमारी की वजह से हुआ है। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें पता नहीं था कि ये एक मानसिक रोगी और ऐसे पेशेंट्स को फांसी नहीं होती? और अगर आपने ये बात हमें पहले बता दी होती तो अर्णव का आज इलाज चल रहा होता किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास, और आपकी ये हालत नहीं होती। सर मैंने भैया का इलाज करने की बहुत कोशिश की मगर ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये बीमार है। ये बात तुम्हें समझना चाहिए रश्मि, एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट तो यही कहेगा ना, उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। सर इसी डर की वजह से मैं भैया से अलग रहने लगी, भैया कुछ भी कर सकते। अभी आपने देखा ना, अगर आप लोग वक्त पर नहीं आते तो ये तो मुझे मार ही डालते। मुझे नहीं पता था सर कि मेरे जाने के बाद भैया की हालत इतनी बिगड़ जाएगी। तुम चिंता मत करो, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखा के अर्णव का इलाज करवाएंगे। अर्णव बीमार है, बुरा नहीं, ठीक हो जाएगा। सूरज एम्बुलेंस बुलाओ। फिंगर ऑन योर लिप्स, मेरी क्लास में तुम लोग ज्यादा बात मत किया करो, और मैं जो सिखा रही हूँ उसे ध्यान से देखो, समझो, वरना एग्जाम कैसे पास करोगे तुम लोग? हाँ, ए टू प्लस बी टू इज। कमरे में कोई भी नहीं मगर उसे लग रहा है कि कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो गड़बड़ कर रहे हैं। अर्णव की तबीयत बिगड़ती जा रही है, देखिए फिलहाल वो खुद को एक औरत यानी प्रोफेसर पायल समझ रहा है। डॉक्टर साहब मुझे पता है इस बीमारी को ठीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त चाहे जितना भी लगे आप अर्णव को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, अर्णव को एक अलग से कमरे में रखिएगा। मेरे कहने का मतलब है, सर आप चिंता ना करें, हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में वो औरों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए हमने अर्णव को एक अलग वार्ड में सुरक्षित रखने का बंदोबस्त किया है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसकी तबीयत कब तक ठीक हो सकती है, मेरा मतलब है ये अपनी पर्सनालिटी में कब तक वापस आ सकता है?
बताना मुश्किल है, और मैं इसके ठीक होने की कोई गारंटी भी नहीं दे सकता। 6 महीने, साल भर, 2 साल, सब डिपेंड करता है कि वो ट्रीटमेंट के साथ कितना रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। अगर आपको कोई भी जरूरत पड़े अर्नव के लिए तो हमें जरूर कहिएगा। ओके, गुड बाय। क्या बात है पंकज, अचानक चुप क्यों? सर, मुझे ऐसे पेशेंट से बहुत डर लगता है सर। अगर वो यहाँ से भाग के मेरे घर आ गया तो? इस बात का डर तो है, हो सकता है सर। अरे नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। सर, सर प्लीज, आज मैं अपने घर पे नहीं सोऊंगा, मैं आपके घर पे आके सोऊं। पर एक मिनट, सर एक मिनट। हाँ, पंकज। हाँ, ओके। हाँ पंकज, एक सिंपल सा कैच नहीं पकड़ पाए तुम। अरे सर को बताना तो चाहिए था, मेरा ध्यान नहीं था और राइट हैंड में ये रुमाल था, मैं लेफ्ट से कैसे कैच पकड़ूं? मैं राइट ही हूँ। फिलहाल वो खुद को एक औरत यानी कि प्रोफेसर पायल समझ रहा है। माय गॉड सचिन, ये अर्णव बीमारी का नाटक कर रहा है, बीमार नहीं है वो। कहाँ गायब हो गया है? क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो अब तुम्हें होगी, झूठ बोलने का नतीजा जानते हो? झूठ? मैंने क्या झूठ बोला सर? ये अनजान बनने का नाटक बंद करो डॉक्टर। देखिए सर, पहले ये तो बताइए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर कि तुमने ही बताया था ना कि अर्णव को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये सच है सर, आपने खुद देखा है उसे अजीबोगरीब बर्ताव करते हुए। नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? नॉर्मल है वो, अब कहा इस वक्त बताओ जल्दी। सर उसे सेशन रूम में लेके गए। चलो ले चलो हमें। चलिए सर। अगर तुम प्रोफेसर की बात नहीं मानोगे ना तो प्रोफेसर तुम्हें पनिशमेंट देंगी, समझे? सॉरी अर्णव। आजकल के बच्चे, बाप रे बाप। नमस्ते टीचर जी। नमस्ते, क्या आपका बच्चा हमारे यहाँ स्टूडेंट है? जी नहीं, मैं इसे भी प्रद्युमन, ये है इंस्पेक्टर सचिन, श्रेया और पंकज, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी। वैसे आपका नाम क्या है टीचर जी? पायल। पायल, 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 तुम्हें पता है हम यहाँ किस लिए आए? हाँ मुझे पता है आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तब तो तुम ये भी जानती होगी कि तुमने क्या क्या किया है। हाँ हाँ, मैंने ही बकुल को मारा है, मैंने उसका खून किया है, सब याद है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर खून इन्होंने किया है तो बकुल के खून का इल्जाम अर्णव ने अपने सर पे क्यों ले लिया? हाँ, क्यों किया अर्णव ने ऐसा? अर्णव? ये अर्णव कौन है? मैं अर्णव को नहीं जानती हूँ। ये सब छोड़िए पायल जी, ये बताइए कि बकुल का खून कैसे किया अर्णव ने? चाकू मारकर। और जब चाकू मारा तब बकुल कहाँ था? उसके फार्म हाउस पे। तो उसके फार्म हाउस पर तुम गई कैसे? पीछे के दरवाजे से। तो फार्म हाउस पर पहुंची कैसे? इतने दूर है वो फार्म हाउस? गाड़ी से। गाड़ी का कलर? रेड, ब्लैक। तो फार्म हाउस के अंदर जाते ही तुमने बकुल पर वार कर दिया? नहीं, मैं वार करने वाली ही थी, लेकिन मुझे जब पता चला कि जिस आदमी को मैं मारने जा रही हूँ वो बकुल नहीं है, दरअसल कोई और आदमी है, तो मुझे टेंशन आ गया और मैंने बस यही सोचा कि उस आदमी को बेहोश कर दूं। कैसे बेहोश किया? डंडा मार के। तुम जानती थी उस अनजान आदमी को? नहीं, मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई, कैसे देख पाती, अंधेरा जो था। और खून करने के बाद क्या किया तुमने? मैं खिड़की से भागी और बंगलों के पीछे सुनसान घर की छत पे वो कपड़ों से भरा बैग फेंक दिया मैंने। मतलब अपनी गाड़ी में नहीं गई तुम? नहीं। फिर तो आपकी गाड़ी वहीं पे खड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन सर हमें तो वहाँ कोई कार नहीं मिली। चोरी हुई होगी, वो तुम पता लगा ही लेंगे। बकुल को क्यों मारा तुमने? धोखेबाज था वो। कैसा धोखा दिया?
पहले उसने नीतिका से शादी की, फिर बिना बताए उसने नीता से भी शादी कर ली और नीता के सारे पैसे ऐड कर उसने मुझे अपने प्यार के चंगुल में फंसाया और फिर उस राक्षस बकुल ने रश्मि के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया। बकुल और रश्मि? हाँ, उन दोनों का चक्कर था। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि बकुल अपने फार्म हाउस पर है? हाँ, उस मीटिंग के बारे में तो सिर्फ अर्णव को पता था। मैं उस पर नजर रख रही थी। अर्णव पर? ये अर्णव कौन है? मैं अर्णव को नहीं जानती हूँ, मैं बकुल का पीछा कर रही थी। पायल जी, आप रहती कहाँ है? मलाड। और काम क्या करती है? आखिर मैं प्रोफेसर हूँ, मैथ प्रोफेसर। और माता पिता कहाँ है? माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, मैं अनाथ हूँ। अब तो मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। आप लोग मुझे फांसी जो दे दोगे? अरे नहीं नहीं पायल जी, बकुल का खूनी तो मिल गया। मतलब? बकुल का खून तुमने नहीं किया है, अर्णव ने किया है। अर्णव ने? कौन अर्णव? ये अर्णव अर्णव क्या लगा रखा है? मैं किस अर्णव को नहीं जानती हूँ। पायल, अर्णव वही है जिसे तुमने फार्म हाउस में बेहोश किया था। वो भी बकुल को मारने के लिए वहां पहुंचा था, लेकिन तुम वहां पहुंच गई और उसी का फायदा उठाकर उसने असली चाकू से उस पर वार किया। लेकिन उसने एक गलती की। एक गलती की। कैसी गलती? वही गलती जो अभी तुमने की। पायल उल्टे हाथ का इस्तेमाल करती है, लेफ्टी है वो। और अर्णव राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड, दाहिने हाथ का इस्तेमाल करता है वो। और इस वक्त तुम पायल, राइट? और उस हिसाब से तुम्हारी सारी हरकतें पायल जैसी होनी चाहिए, अर्णव जैसी नहीं। अर्णव, हे, रुक जा! अर्णव, रुक जा! रुक जा! अर्णव, रुक जा! जंपर के आगे निकलना नहीं चाहिए हमारे हाथों से। सचिन, नहीं बचेगा सर। पलक झपकते ही हमारे आंखों के सामने से भाग गया। सर, ये बहुत चालाक है। ओवरटेक करो उसे। हाँ सर। प्लान बना के आया था वो पहले से ही। देखा, उसी लिए उसका साथी आया था गाड़ी लेकर उसे उठाने के लिए। सीआईडी की गाड़ी पास में आके खड़ी। फटाफट भगाओ। अरे ये लोग गिर। अब क्या करें? बात बता। सर, रश्मि। रश्मि जी, हमें तो पहले से ही शक था कि अर्णव का साथ तुम दे रही थी। और तू? बहुत कर ली तूने एक्टिंग, अब अपनी एक्टिंग हमें दिखा। अर्णव, अपने स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की एक्टिंग से तुमने साइकेट्रिस्ट को भी फंसा दिया। वाह, कहां से सीखी तुमने ये एक्टिंग? जितनी भी एक्टिंग कर लो, लेकिन तुम भूल गए कि हर नाटक पे पर्दा गिरता ही गिरता है। तो फिर बताओ, कहां से शुरू करोगे अपनी कहानी? हाँ, ये सच है कि मैंने स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होने का नाटक किया और बकुल का खून किया। लेकिन बकुल का खून क्यों किया? वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त था ना? नहीं, अच्छा दोस्त नहीं था वो मेरा, बल्कि वो अच्छा इंसान नहीं था, हैवान था वो, हैवान। क्यों? ऐसा क्या किया था बकुल ने? उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। रश्मि की जिंदगी बर्बाद कर दी? कैसे? मैं रुपया था, मक्कार था, धोखेबाज था, भूली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, शादी करता था उनसे उनकी प्रॉपर्टी के लिए। पहले से दो शादी कर चुका था,
और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था पैसे। ये सच है सर, बकुल से मुझे प्यार था, लेकिन मैं उसकी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल अनजान हूं। उसने पहला पुस्तकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा दी, और मैंने उसे मना तक नहीं किया, ये सोचकर कि वो तो मुझसे शादी करने ही वाला था। फिर एक दिन मुझे सच पता चला कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है, और उसकी एक नहीं बल्कि दो दो पत्नियां, नितिका और दूसरी नीता। मैं उससे मिला, उसे समझाने की कोशिश की मैंने। मैंने उससे कहा कि अगर तू मेरी बहन से प्यार करता है तो अपनी बीवी को तलाक दे दे और रश्मि से शादी कर ले। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हाँ। फिर हम दोनों ने मिलकर उस राक्षस को खत्म करने का प्लान बनाया। अर्णव ने बकुल को झगड़ा खत्म करने के बहाने फार्म हाउस पर बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। बदले की आग में तुमने ना सिर्फ बकुल का बल्कि उस नौकर का भी कत्ल कर दिया। तुम दोनों ने यह जुर्म किया है, अब सजा भी तुम दोनों को होगी, शायद फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।